नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है मैंने कुछ फ्लोटिंग प्लांट जो है अमेजोन से मैंने यहाँ पे मंगाए थे ऑनलाइन, तो आज जो हम उसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और हम देखेंगे कि ऑनलाइन जो है फ्लोटिंग प्लांट मंगाने से कैसे मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है। वैसे तो ज़्यादातर जो है फ्लोटिंग प्लांट मैंने पहले भी यहाँ पर मंगाए हैं, तो देखिए फ्लोटिंग प्लांट जो है ऑनलाइन मंगाने में यहाँ पे पैसे की वेस्टेज रहती है, क्योंकि जो ऑनलाइन जो ज़्यादा प्लांट्स हैं वो यहाँ पे ख़राब ही निकलते हैं, क्योंकि उनका जो है कुछ अंबर यहाँ पर निकल जाता है, पिचक जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो आपकी और जो मैंने दो प्लांट यहाँ पे मंगाए हैं, तो देखिए तो अमेज़ॉन से कैसे वो मुझे रिसीव हुआ है, तो उसी के आज हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अगर आप भी जो है फ्रूट प्लांट या फिर जो और भी कोई प्लांट है अगर ऑनलाइन मंगाने की सोच रहे हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर से देखिए, ताकि आप भी जान सकें जो ऑनलाइन फ्रूटिंग प्लांट्स है या फिर कोई भी प्लांट्स मंगाने में कैसे हम यहाँ पे रिसीव होते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो देखिए ये है पार्सल हमारा जो कि कल मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ था, और इसी को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है जी हमें वैसे तो खुशी यहाँ पे बड़ी रहती है जब पार्सल हमारा कोई भी इस तरह से मिलता है, तो हमें बहुत ही जल्दी यहाँ पे रहती है कि उसको जल्दी से हम पे ओपन करके देख लें। लेकिन इसको जो है मैंने रात भर के लिए यहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि वीडियो भी आपके साथ जो है शेयर यहाँ पे करना था। तो देखिए जो मैंने फ्रूटी प्लांट्स यहाँ पे मंगाए हैं, और आपको मैं दिखा दूँ, देखिए इसमें जो है रात को मैंने इस तरह से होल भी इसमें कर दिया था, ताकि इसमें जो है एयर पास इसमें हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपको बता दूँ, ये है जो पार्सल मुझे रिसीव हुआ, देखिए जो है मैंने अमेजोन के प्राइम मेंबरशिप से मंगाया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की थी कि आप जैसे जब पार्सल मंगाते हैं प्राइम अमेजोन मेंबरशिप से, तो देखिए वो पार्सल यहाँ पे बड़ी सेफ्टी से जो है यहाँ पे रिसीव आपको होता है। तो आप अगर कोई फ्लोटिंग प्लांट मंगाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से देखिए इस तरह से जो आपके पेड सर्विस कहते हैं उससे आप मंगाइए, तो उससे जो आपको पार्सल काफ़ी अच्छे से डिलीवर यहाँ पे होगा। खास तौर पे देखिए फ्रूटिंग प्लांट्स या कोई भी प्लांट्स अगर आप जैसे ऑनलाइन बाय करते हैं, तो आप ज़रूर मैं कहूँगा कि पेड मेंबरशिप से ही आप लीजिए। तो चलिए इसको जो हम यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। अगर हमें बॉक्स की लेंथ देखते हैं, तो देखिए बॉक्स की लेंथ में क्या हुआ, काफ़ी अच्छी बड़ी है, तो इससे लगता है कि मुझे जो यहाँ पे प्लांट्स हैं हमें काफ़ी बड़े यहाँ पे मिले हैं। तो देखिए इसको जो है ओपन यहाँ पे हम कर लेते हैं, और प्लांट्स में क्या हुआ काफ़ी भारी है ये बॉक्स हमारा। इसके अंदर जो है एक और पैकिंग भी इन्होंने डाला है, देखिए मैं अगर आप समर्स में इस तरह से फ्रूटिंग प्लांट या कोई भी प्लांट आप मंगाएंगे ऑनलाइन, तो देखिए उसमें क्या रहता है कि आपके जो प्लांट्स हैं, देखिए मैं कहूँ यहाँ पे जो है ख़राब होते हैं, उनकी हालत काफ़ी यहाँ पे ख़राब होती है, क्योंकि पार्सल जो है मुझे पूरे एक हफ्ते बाद यहाँ पे मिला है। तो कंडीशन ये रहती थी कि गर्मियों में जो है वो एयर के कारण आपके ख़राब हो जाते हैं, और उनमें जो है वाटरिंग भी क्या वो सूख ड्राई हो जाते हैं आपके प्लांट्स, तो उसके कारण जो है वो भी यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए जो है प्लांट्स अगर आप मंगाते हैं, तो देखिए आप विंटर में मंगाइए, और विंटर में मंगाने से क्या है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे यहाँ पे रिसीव आपको होंगे। ये देखिए कितना हेल्थी प्लांट जो है मुझे यहाँ पे रिसीव मिला है, देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना हेल्थी प्लांट है ये मेरा, और पूरा एक हफ्ता इसको हो चुका है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो कि मॉइस्चर लेवल यहाँ पे बना रहता है विंटर्स में, प्लांट को जो अधिक पानी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो यहाँ दो मेरे फ्रूटिंग प्लांट है, तो देखिए जो मैंने मंगाए थे, ये है मेरा एक मैंगो सीन का, जिसे फलों की रानी यहाँ पे कहा जाता है, और फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लांट है मुझे यहाँ पे जो मिला है। इस तरीके से कंडीशन देखिए आप इसकी, और जिसके मॉइस्चर लेवल अंदर वो भी यहाँ पे अच्छे से बना हुआ है, मेंटेन है, और देखिए इन्होंने पैकिंग इतनी अच्छे से यहाँ पे की है, आप देख सकते हैं कि जो सॉइल है वो यहाँ पे रिमूव नहीं होगी, ना ही यहाँ पर इसका जो रूट बोला हुआ यहाँ पे टूटेगा, और ना ही इससे कोई सॉइल बाहर यहाँ पे गिरेगी। तो इन्होंने पूरा इस तरह से पैक यहाँ पे किया है, तो पैकिंग काफ़ी अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक हमारा प्लांट था वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या है कि कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि ये जो प्लांट है किस चीज़ का है, तो इस पे जो मैं अगर है तो इसको एक यहाँ पे लेवल भी लगाना चाहिए, ताकि पता चले कि ये प्लांट जो है मेरे किस चीज़ का है। तो देखिए
मॉश ये जो है अंदर क्ले मिट्टी में यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक हमारा जो प्लांट था यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर कर लिया है, काफ़ी अच्छी इसकी हालत है, जैसे आप देख सकते हैं कंडीशन काफ़ी अच्छी है इसकी, और जो पत्ते भी मैं कहूँगा नहीं टूटे हैं, बिल्कुल सेफ हमारा प्लांट है, मॉइस्चर लेवल इसमें बना हुआ है, और जो रूट बॉल है वो भी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मुझे मिला है। तो ओवरऑल जो आप प्लांट देखें काफ़ी अच्छी कंडीशन मुझे रिसीव हुआ है। तो एक प्लांट मेरा ये था, और चलिए दूसरा प्लांट है यहाँ पर वो भी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। मुझे इनकी पैकिंग देख के काफ़ी अच्छा लगा, और जो प्लांट मुझे भी काफ़ी अच्छे रिसीव यहाँ पे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा जो कि मुझे यहाँ पे जो कहूँगा एग्जॉटिक फ्रूट प्लांट्स मुझे यहाँ पे हैं जो कि मुझे नहीं मिल पाते हैं वो मैं यहाँ से ले सकूँ। तो देखिए दूसरे वाले की भी यहाँ पे कहूँगा पैकिंग काफ़ी अच्छे से इन्होंने की है यहाँ पर, और इसको भी यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरा दूसरा प्लांट था उसकी थोड़ी हाइट कम है, लेकिन यहाँ पे ये भी काफ़ी हेल्थी प्लांट है यहाँ पे। ये देखिए इसके भी पत्ते में कहूँगा एकदम से आप देख सकते हैं पूरे ग्रीन है, ना ही कोई इसमें पत्ते हैं आपको टूटे फूटे नज़र आएंगे। देखिए अभी जो है बिल्कुल मॉर्निंग के समय है, आज जो है अभी ठंड भी काफ़ी है, तो ये था हमारे प्लांट का अनबॉक्सिंग का रिव्यू। और इसको देखिए सबसे ओपन के बाद क्या है कि इसको हम रिपोर्ट भी यहाँ पे करेंगे। तो रिपोर्ट के लिए जो है मैंने सॉइल पहले से यहाँ पे करके रेडी करके रखी थी, और जो है मैंने पॉट भी यहाँ पे रेडी करके रखा है। वैसे तो देखिए मैंने इस तरह से कहूँगा दो छोटे पॉट मैंने यहाँ पे खाली किए थे, क्योंकि ज़्यादातर मैंने पहले भी एक दो जो फ्रूट प्लांट ऑनलाइन मंगाया है तो देखिए छोटी छोटी सैम्पलिंग यहाँ पर दी जाती है, लेकिन ये जो प्लांट मुझे काफ़ी अच्छे से मिले हैं तो रूट बॉल भी काफ़ी बड़ा है, तो मुझे जो है इस तरह से छोटे पॉट में नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे कम से कम 8 से 10 इंच के गमले में इसको लगाऊँगा कुछ टाइम के लिए। तो इसको मैंने ओपन कर लिया, देखिए ये भी जो पूरा अंदर से गीला है, मॉइस्चर लेवल इसमें काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और ये भी जो है रेड सॉइल में यहाँ पे लगाया है। तो देखिए काफ़ी बड़ा प्लांट है और हैवी भी था, तो आप इसका रूट बॉल से ही देख सकते हैं। तो चलिए जो है आपको मैं एक जो है यहाँ पे रिपोर्ट करके दिखा दूँ। तो देखिए दोस्तों इसकी सॉइल मैंने रेडी कर रखी है, तो सॉइल में आपको बता दूँ कि 50% जो है मैंने इसमें गार्डन सॉइल, और जो 50% है खाली इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन सैंड मिलाया है, क्योंकि इस तरह से आपको जो मिट्टी है वेल्ड्रेन यहाँ पे रेडी करनी है, तो मैंने वेल्ड्रेन मिट्टी पे रेडी की है। देखिए इस तरह से आप कोई भी फ्रूटिंग प्लांट जब मंगाते हैं तो आप डायरेक्टली उसको जो बड़े पॉट में शिफ्ट बिल्कुल भी ना करें, जो आपका प्लांट है वो यहाँ पर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने इस तरह से ग्रो बैग था इसका नर्सरी बैग, वो मैंने इसका फाड़ दिया है, और इसको जो हम इस तरह से बिना जिसका रूट बॉल को डिस्टर्ब किए इसमें हम इसको मूव कर देंगे। देखिए इसमें अभी खाद जो है मैं किस प्रकार के नहीं डालूंगा, क्योंकि प्लांट को देखिए इस तरह से अभी खाद की आवश्यकता नहीं रहती है आप जब नए प्लांट इस तरह से लगाते हैं, क्योंकि जो अभी जितने भी इसके जो न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए हैं वो उसको सॉइल में ही अभी मिल जाएंगे, और जब भी प्लांट मेरा सर्वाइव कर जाएगा इसमें फुटाव शुरू हो जाएगा, ग्रोथ यहाँ पर कर लेगा, उसके बाद जो है हम इसमें जब रूट बॉल या इसका जब क्या हुआ कि रूट बॉल यहाँ पे हो जाएगा, जब हम इसको नए पॉट में यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे तब इसमें जो है हम यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह ऐड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए जो है इसके तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें इस तरह से रख दिया है सेंटर में, और जो मेरा प्लांट है बिल्कुल सीधा यहाँ पर लगाया, और फिलहाल इसको जो है सॉइल से मैं फिल कर दूँगा, और ना ही आप देखिए इस तरह से मैं कहूँगा जब प्लांट आप लगाते हैं तो उसमें जो आपको अधिक पानी नहीं डालना है, एक बार पानी फिल करके जो आप उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह से मैं कहूँगा कि रिपोर्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है, और तो हमारा जो एक प्लांट था वो हम यहाँ पे लगा चुके हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा प्लांट भी लगा देंगे। ये जो हमारा प्लांट था लग चुका है,
अब इसमें हम कर देंगे वाटरिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं कहूँगा कि मुझे काफ़ी पसंद है यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, मुझे काफ़ी हेल्थी भी यहाँ पे रिसीव हुए हैं और बिग साइज़ के मुझे यहाँ पे रिसीव हुए हैं। और तो अगर आप इस तरह से कोई फ्रूटिंग प्लांट मंगाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप फ्रूटिंग प्लांट या कोई प्लांट, तो आप कोशिश कीजिए कि उसका ग्रोइंग सीजन हो और आप जो है उसको विंटर में ही ऐसे बाय कीजिए, ताकि मैं कहूँगा जो प्लांट है वो आपका अच्छे से मिले। और इसके साथ जो हम एक स्पॉटिंग स्टिक भी लगा देंगे ताकि हमारा जो प्लांट है वो हिले डुले नहीं इस तरीके से। तो ये हमारा लग गया प्लांट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का जो है वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरा आज का वीडियो अनबॉक्सिंग पसंद आया था। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।